हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक थ्री फेस मोटर है और उस थ्री फेस मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की मदद से चलाते थे, लेकिन इसी मोटर को हम थ्री फेस इन्वर्टर की मदद से चलाने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे पास थ्री फेस इन्वर्टर है वो 30 किलोवाट से लेकर 37 किलोवाट के लोड को बर्दाश्त कर सकता है। चलते हैं वीडियो की तरफ और इसके मुकम्मल कनेक्शन आप लोगों को करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो थ्री फेस मोटर है उसको हम पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर की मदद से चलाते थे। जो हमारे पास थ्री फेस मोटर है उसकी दो वायरें हैं, स्टार और डेल्टा। उन दोनों वायरों को जो हमारे पास थ्री फेस इन्वर्टर की आउटपुट साइड है, उन दोनों वायरों को आउटपुट साइड पर लगा देंगे। थ्री फेस इन्वर्टर की इनपुट साइड पर हम थ्री फेस सप्लाई के कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले जो ब्लैक वायर है वो अर्थिंग की जगह आएगी, उसके बाद रेड फेस आएगा, फिर येलो फेस आएगा और फिर ब्लू फेस आएगा। और ये हमारे पास पावर के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब कंट्रोल वायरिंग की बात करते हैं। जो हमारे पास थ्री फेस इन्वर्टर है इसको हम सिलेक्टर स्विच की मदद से ऑन ऑफ करने वाले हैं। जो हमारे पास सिलेक्टर स्विच के दो पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंटों पर हम से दो वायरें लेकर जो हमारे पास थ्री फेस इन्वर्टर है उसका एक कॉमन पॉइंट है उस पर हम एक वायर लगा देंगे और एक S1 है उस पर एक वायर लगा देंगे। तो जब हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो जो हमारा थ्री फेस इन्वर्टर है वो ऑन हो जाएगा, जो थ्री फेस मोटर है वो चलना शुरू कर देगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। Oh, 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 o